आज से पहले तलाक लेना एक बेहद जटिल प्रक्रिया थी जिसमें कई कई महीने और साल लग जाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अब सब बदल गया है। असल में अब होगा ये कि ऐसे मामलों में जहां पति पत्नी दोनों ही तलाक के लिए सहमत हैं या फिर दोनों में से ही एक सहमति नहीं दे रहा है तो भी सुप्रीम कोर्ट तलाक का आदेश दे सकता है। यानी अगर पति पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि अब सुलह होने की गुंजाइश बची ही नहीं तो कोर्ट भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत तलाक को मंजूरी दे सकता है। इसके लिए उन्हें फैमिली कोर्ट नहीं जाना होगा और ना ही तलाक लेने के लिए 6 महीने का इंतजार करना होगा। ये फैसला 2014 में दायर शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन केस में आया है, जिन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक मांगा था। पर क्या आप जानते हैं कि आपसी सहमति से तलाक लेने का प्रोसेस और इसके लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और कहां जाना होता है? तो आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब हमारी इस वीडियो में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरमई टाइम्स में। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम विशेष। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13B में आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि पति पत्नी तलाक के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं, पर इसके लिए जरूरी है कि दोनों साल भर या इससे ज्यादा टाइम से अलग रह रहे हों या फिर उनका साथ रहना बिल्कुल भी ना पॉसिबल हो और या तो दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला कर लिया हो। पर अगर अब आप सोच रहे हैं कि इससे सीधे तलाक मिल जाता है तो ऐसा नहीं होता। तलाक को मंजूरी देने से पहले कोर्ट कई बातों पर नजर रखता है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B(2) में कहा गया है कि दोनों पक्षों को तलाक की अर्जी दाखिल करने की डेट से 6 से 18 महीने के बीच इंतजार करना होगा और इसी समय को कूलिंग पीरियड कहते हैं। वहीं इस दौरान दोनों तलाक की अर्जी भी वापस ले सकते हैं और तलाक के लिए शादी के 1 साल बाद ही ये अर्जी की जा सकती है। इसे समझने के लिए हमें शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन केस समझना होगा। असल में इस मामले में पति पत्नी दोनों शादी के बाद सिर्फ 4 साल तक साथ रहे और साल 2014 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला किया था। तब से ही मामला कोर्ट में चल रहा था। सुनवाई के दौरान दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। इस तरह दोनों ही पार्टी के साथ क्रूरता हो रही थी। ऐसे में 142 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि यदि शादी में सुलह की गुंजाइश नहीं बची है तो कोर्ट इसे भंग कर सकती है और ये मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होगा। आसान शब्दों में समझें तो संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेशल पावर है, जिसके तहत कोर्ट न्याय संबंधी मामले में जरूरी निर्देश दे सकता है। मतलब जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होगा और इस तरह कोर्ट ऐसे फैसले दे सकता है जो लंबित पड़े किसी भी मामले को पूर्ण करने के लिए जरूरी हों। तलाक दो तरह का होता है। पहला कंसेंटेड डिवोर्स यानी बिना आपसी सहमति के तलाक, दूसरा होता है म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति से तलाक। पटियाला हाउस कोर्ट की एडवोकेट सीमा जोशी आपसी सहमति के डिवोर्स की प्रोसेस को लेकर कहती हैं कि इसमें पति पत्नी दोनों मिलाकर याचिका दायर करते हैं, पूरा वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको याचिका दायर करने की डेट से 6 महीने बाद की तारीख दे दी जाती है और फिर 6 महीने बाद तय किया जाता है कि तलाक देना है या नहीं देना है। पर मौजूदा मामले में कोर्ट ने 6 महीने का समय क्यों हटाया है? तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि 6 महीने के समय के दौरान पति पत्नी जो आपसी समझौते से तलाक लेना चाहते हैं, इस समय अंतराल के बीच उनका मन भ्रमित हो जाता है, कई तरह के विवाद खड़े होने लगते हैं जिसकी वजह से केस कोर्ट में लंबित रहता है। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जल्द से जल्द तलाक लेने के लिए निचली अदालत या फैमिली कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कुछ स्पेशल कंडीशन होने पर ही अब धारा 13B के तहत सुप्रीम कोर्ट में तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं। इसमें ही पहले ट्रायल में कोर्ट में बात चलेगी। वहीं इस फैसले में कहा गया कि कोर्ट खुद भी यह तय करेगी कि पति पत्नी के बीच बराबरी कैसी रहेगी। मतलब कि अब कोर्ट पति की कमाई और उसके रहन सहन के आधार पर डिसाइड करेगी कि पत्नी को मेंटेनेंस कितना मिलना चाहिए। इसका एक ही सिद्धांत है कि जैसी पति की लाइफ स्टाइल है उसी के बराबर पत्नी की भी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। और अब आखिरी में आपको अनुच्छेद 142 के बारे में बता देते हैं कि कब कब इसका इस्तेमाल हो चुका है। तो सुन लीजिए, अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाने के मामले में 2017 में रायबरेली से लखनऊ की विशेष अदालत में ट्रांसफर करने के लिए भी अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया था, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत अन्य आरोपी थे। 2 साल बाद इसी से जुड़े अयोध्या जमीन विवाद मामले में यह धारा इस्तेमाल की गई। इसी के साथ भोपाल गैस त्रासदी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पीड़ितों के लिए मुआवजे को उठाते हुए यह निर्णय भी लिया गया था। और वहीं चर्चित शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को भी 6 साल जेल में रहने के बाद इस अनुच्छेद का यूज करने के बाद पिछले साल ही जमानत मिली थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।